नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। चिकित्सा सुविधा बेहतर करने में जुटी सरकार, सुरेश भट्ट ने दी जानकारी, कहा चिकित्सालयों की व्यवस्थाएं हो रही है दुरुस्त। देहरादून में कांग्रेस की हुई बड़ी बैठक, करण महाराणा ने कहा बैठक की अध्यक्षता की, उपचुनाव को लेकर हुआ मंथन। देहरादून में मौसम का बदला मिजाज, झमाझम बारिश से खिले लोगों के चेहरे, मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। ऋषिकेश में IDPL प्लॉट के पास जंगल में लगी भीषण आग, फैक्ट्री के गोदाम तक पहुंची आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। देहरादून के RTO समेत 6 के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की। खटीमा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चली JCB। टिहरी में पटना वाटरफॉल के पास से मिला शव, SDRF की टीम ने शव को किया बरामद। रुद्रप्रयाग में SDRF को मिली बड़ी कामयाबी, भारी बारिश के बीच चौपता और देवरिया ताल ट्रैक पर फंसे भरे युवकों की बचाई जान। हरिद्वार में हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैरों पर लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरिद्वार में वाहन हटाने को लेकर पुलिस और कांवड़ियों के बीच हुआ विवाद, कांवड़ियों ने जमकर किया हंगामा। और चलिए रुक करते हैं खबरों का, जहां विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला का कहना है कि प्रदेश की दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव से बीजेपी ऐतिहासिक मतों के साथ जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, उससे बीजेपी के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही विधानसभाओं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। और कांग्रेस जिस प्रकार से, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस केवल डींगे हांक रही थी, उनकी डींगे जनता ने दिखा दी है कि केवल कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बातूनी है, धरातल में उनका कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधानसभाओं में इतिहास रचने वाली है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने इतिहास रचा, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास में हो या उत्तराखंड के को नई पहचान दिलाने के लिए हो, हमेशा ऐतिहासिक काम किए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली। तो वहीं मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में रुड़की होटल में आयोजित कार्यक्रम में पूरी कांग्रेस जुट गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई मुख्य नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जहां बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने इस पर बड़ा हमला भी बोला। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है हमारे लिए, और मेरे लिए तो ये जीवन मरण का सवाल था। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने अपने दोनों कैडर वर्कर्स को या क्या है आइडियोलॉजी के लोगों को टिकट दिए हैं, चाहे या काजी निजामुद्दीन जी हों, चाहे वो वहाँ लखपत बड़बुला हों, ये दोनों ही कांग्रेस के मजबूत लोग हैं और दोनों से उम्मीद है कि ये जीत के कांग्रेस को अपनी देंगे। वहीं बीजेपी का अगर आप देखें तो उन्होंने दोनों आयातित, एक कांग्रेस के भगोड़े को बद्रीनाथ से चुनाव लड़ाया है, और यहाँ एक ऐसे शख्स को लड़ा है जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ चुका है, और आज हरियाणा से यहाँ आ गया। हरियाणा की बीजेपी ज़्यादा समझदार है, उन्होंने उसको ज्वाइन कराने से मना कर दिया था संसदीय चुनाव में, लेकिन अब गौतम साहब के ऊपर कुछ बात रही होगी, गौतम साहब कंधे में बैठा के उसको उत्तराखंड ले आए हैं और लड़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कैडर में और RSS के कैडर में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे योग्य लोग थे जो लड़ना चाहते थे, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति को टिकट देकर गौतम और जो भट्ट जी हैं बीजेपी वाले, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा। धन्यवाद। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरी कांग्रेस ने गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा। मंगलौर में हम सब लोग विधानसभा की चुनाव साथ होंगे इस उम्मीद से चल रहे थे, हमारी मेहनत थी और वो हमने 44,000 के लगभग वोट मंगलौर में मिले हैं कांग्रेस को, लगभग 60% वोट मंगलौर में मिला है, तो हम उसी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। देखते हैं जनता क्या
परिणाम देखेंगे तो जनता के ऊपर है, कुदरत क्या करे, लेकिन मेहनत बादस्तूर जारी है और उम्मीद करते हैं कि उसमें वोट बढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ पूरी कांग्रेस है, मेरे साथ पूरी जनता है, राहुल जी कहते हैं कांग्रेस के बब्बर शेर, सब बब्बर शेर एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, सब सरकार और सब हवा में हो जाएंगे। वहीं नैनीताल जिला योजना की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी और अन्य सभी विभागों के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभाग के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों का बजट रखा और विकास कार्यों के लिए अधिकतम 2 साल का समय रखा। जिला योजना की बैठक में 70 करोड़ 20 लाख का बजट पास हुआ। वहीं बैठक के बाद रेखा आर्य ने कहा कि विभिन्न प्रस्ताव के जरिए नैनीताल जिले के विकास कार्यों को कराया जाना है। अधिकारियों को सभी काम तय समय पर पूरा करने के निर्देश भी जारी दिए गए। देखिए, आज जिला योजना की बैठक बड़ी सफलता के साथ पूर्ण कर ली गई है और जिला योजना की बैठक में लगभग 70 करोड़ 20 लाख की धनराशि के साथ में विभिन्न विभागों के परिवय आए हैं और जिसे आज संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलते हुए आज उस परिवय को स्वीकृत कर दिया गया है और उस परिवय के मद में जो है, चाहे वो स्वरोजगार का पार्ट हो, चाहे वो रोजगार का पार्ट हो अथवा उद्यान का सेक्टर हो, ये इसको प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही PWD के प्रस्ताव अधिक मात्रा में आए हैं और PWD के प्रस्ताव को भी यहाँ पे स्वीकार किया गया है। पंचायती राज के भी आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारी यह कोशिश है कि जनपद नैनीताल में जो भी हमारे कार्य हैं, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं, चाहे विधायकों के माध्यम से आएँ, चाहे DPC मेंबर्स के माध्यम से आएँ, चाहे प्रमुख के माध्यम से आएँ, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से आएँ, उन प्रस्तावों को अधिक से अधिक बजट मिल सके, स्वीकृत किए जा सके, क्योंकि ये कार्य जनमानस के हित में होना बहुत आवश्यक है। तो मैं बहुत शीघ्र इस बैठक को हम लोगों ने किया है ताकि जो है, जो आचार संहिता के दौरान में जो देरी हुई है उस वो अब और अधिक ना होए, तो ये आज की बैठक जो है, मुझे लगता है कि नैनीताल के विकास में जो है। तो वही देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया। साथ ही तपती धूप में लोगों को शरबत पिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की लंबी उम्र की प्रार्थना की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है और राहुल गांधी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हम लोग आज कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ गांधी पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। हमारी नीति रही है कि भाई वृक्षारोपण करके शहर को हरा भरा बनाया जाए और वृक्ष, हमारे कांग्रेस जो है नारा लगाती है हमेशा कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, वृक्ष लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। तो वहीं देहरादून के RTO सुनील शर्मा समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रकरण ADC के साथ चल रहे सिविल मुकदमे में फर्जी शपथ पत्र देने के मामले में संबंधित है। आरोप है कि इन सभी ने अपने स्थान पर अधिवक्ता से पैरवी कराने के लिए शपथ ग्रहण बनवाया था। इसका नोटिस भी अधिवक्ता के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। रायपुर थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। तो वहीं हरिद्वार के सभी लेखपाल और रजिस्ट्रार कानून गौ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंचे राजस्व लेखपाल अंजू कुमार के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद लेखपाल की ओर से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि जो पुलिस की ओर से मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, तो लेखपाल संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं अब इस धरने को रजिस्ट्रार कानून भी संघ भी समर्थन दे रहा है। इस पर जानकारी देते हुए लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो ढुलमुल रवैया पुलिस प्रशासन की ओर से बरता जा रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक पूर्ण रूप से काम का बहिष्कार और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आंदोलन है नक्सल तहसील में विगत 1 सप्ताह से चल रहा है, लेकिन जब हमारे साथ ही अंजू कामबोज जी के साथ जो अपनी घटना हुई है,
उनके साथ जो मारपीट ग्राम प्रधान प्रतापपुर द्वारा की गई है उसके संबंध में अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मजबूरन पूरे जिले को आज हमें यहाँ पर कार्य बहिष्कार में बैठने में विवश होना पड़ा है। और यदि पुलिस प्रशासन इसी तरह से सोया रहा और दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती है तो हम अपने आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश को भी हम ठप करने का यहाँ पर काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जो दोषियों हैं उनको संरक्षण किसी भी प्रकार का प्राप्त ना हो, चाहे राजनीतिक संरक्षण हो चाहे किसी भी प्रकार का संरक्षण हो, वो संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का इस वक्त की बड़ी खबर, आज बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन है। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चमोली में राजेंद्र भंडारी नामांकन करेंगे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हरिद्वार में करतार सिंह भडाना भरेंगे आज पर्चा। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, हरिद्वार में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 10 जुलाई को होगा उपचुनाव की वोटिंग होनी है। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन होगा जहां सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हरिद्वार चमोली में राजेंद्र भंडारी नामांकन करेंगे, तो वही हरिद्वार से करतार सिंह भडाना अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम धामी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तराखंड उपचुनावों को लेकर बीजेपी उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं नवीन शुक्ला। नवीन शुक्ला जी, क्या कुछ बताया जा रहा है, आज बड़ा दिन, 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी निशिका, अगर बात की जाए बद्रीनाथ और मंगलौर सीट की, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो राजनीतिक दल है उनकी तैयारियां लगातार जारी है। और क्योंकि वहां पे उपचुनाव होने हैं, दो सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, तमाम राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं और जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसके साथ ही अब जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी आज होने वाली है, तो इसको लेकर जो है वो तैयारियां की जा रही है। बीजेपी की तरफ से जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन में मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं एक जो मुकाबला है काफी दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि जो ये सीट है, चाहे बद्रीनाथ सीट की बात की जाए या फिर मंगलौर सीट की बात की जाए, एक हॉट सीट बन चुकी है। आज नामांकन की प्रक्रिया होनी है और इसके बाद जो चुनाव प्रचार प्रसार है उसमें तेजी लाने का भी काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, बने रहेगा नवीन शुक्ला जी हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चुनाव से जुड़ी आज कांग्रेस उम्मीदवारों का भी नामांकन होगा। जी हाँ, जहां बीजेपी नामांकन दाखिल करेगी तो वहीं हरिद्वार में काजी निजामुद्दीन भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, करण महरा, हरीश रावत मौजूद रहेंगे, बड़े दिग्गज नेता इस समय मौजूद रहेंगे, कल बद्रीनाथ सीट पर नामांकन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लखपत बुटोला कल नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। जहां बीजेपी तो वहीं कांग्रेस की भी तैयारियां तेज है। जी नवीन शुक्ला जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन शुक्ला जी, जिस तरह से बीजेपी की बारी में हमने सुना कि नामांकन दाखिल होंगे, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने नामांकन के लिए प्रत्याशियों के नाम सामने रख दिए हैं। जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद रहेंगे, तो कांग्रेस की बात की जाए क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया है और इसके साथ ही अब चुनाव प्रचार प्रसार भी होना है, तो कांग्रेस की तरफ से जो काजी निजामुद्दीन जो प्रत्याशी है मंगलौर सीट को लेकर, वो भी अपना नामांकन करेंगे। कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की बात की जाए या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए, तो वो वहाँ नामांकन की प्रक्रिया में वहां पर मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं अब एक जो तमाम तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी जो बड़े नेता हैं वो वहां पर आज नामांकन के समय मौजूद रहेंगे, तो अब जो देखने वाली बात यह है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद जो
जो कार्यवाही है, किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि तो जो जो ये सीट है, अगर बात की जाए मंगलौर सीट, तो एक वहाँ पे हमेशा से ही जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनका वर्चस्व रहा है, वो वही उन्हीं के पक्ष में जो अल्पसंख्यक ही डिसाइड करते थे कि कौन प्रत्याशी जीतेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो चुनाव प्रचार प्रसार में जो वोटर है किसकी तरफ जाता है, बीजेपी की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा। लेकिन आज जो फिलहाल आज नामांकन की प्रक्रिया है और नामांकन की प्रक्रिया के बाद प्रचार प्रसार। जी नवीन शुक्ला जी, यानी कि कुल मिलाकर जो घमासान है चुनाव को लेकर वो काफी दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे को इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही कि उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने जहां तैयारियां कस दी है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आज करण महरा, हरीश रावत मौजूद रहेंगे, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे, तो वहीं साथ ही सीएम धामी भी आज हरिद्वार में मौजूद रहेंगे, जहां बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन करते हुए नजर आएंगे। चलिए रुक करते हैं खबरों का, जहां दुनिया भर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। भारत में भी आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग दिवस के लिए तैयारियां कर रहा है। वहीं इस बार योग दिवस कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन पहली बार आदि कैलाश के योग दिवस का आगाज किया जाएगा। पार्वती सरोवर के किनारे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा डे। कई मायनों में खास होगा योग दिवस। 21 जून को हर साल दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में योग की प्रैक्टिस के कई फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वहीं इस बार भी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को महिलाओं पर केंद्रित किया गया है। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए इस साल के योग दिवस की थीम बनाई गई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया था और सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। तब से हर साल योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये आयोजन हर साल एक अनूठी थीम के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। इस साल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और वैश्विक शांति के लिए योग को बढ़ावा देना है। ऐसे में भारत में अब तक के योग कार्यक्रमों पर आइए एक नजर डालते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 पूरे विश्व में मनाया गया। करोड़ों लोगों ने योग किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 35,000 से अधिक लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग किया था। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर करीब 30,000 लोगों ने एक साथ योग किया था। भारत को 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड दिलाए, एक दुनिया का सबसे बड़ा योग एक साथ करने का रिकॉर्ड। दूसरा 84 देशों के नेताओं की एक साथ भागीदारी के लिए। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 का मुख्य आयोजन चंडीगढ़ में हुआ। करीब 35,000 लोग शामिल हुए। इस आयोजन का नेतृत्व भी पीएम मोदी ने ही किया था। इस योग दिवस में 170 देशों ने हिस्सा लिया। दूसरे योग दिवस की थीम थी युवाओं को जोड़े। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 का मुख्य आयोजन यूपी के लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 55,000 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग। चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 उत्तराखंड के देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गया। पीएम मोदी के साथ करीब 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
इस आयोजन की खास बात, इसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ। चौथी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम शांति के लिए योग थी। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का आयोजन झारखंड के रांची में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की केंद्रीय थीम योग के साथ रहें, घर पर रहें। 2021 में भी योग दिवस कोविड नियमों का पालन करते हुए वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। 2022 में आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैसूर में मनाया गया। पीएम मोदी ने हजारों लोगों के साथ योग किया। देश के सभी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर योग दिवस का आयोजन किया गया। योग दिवस पर गार्जियन रिंग एक बड़ा ही अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका अर्थ मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया गया। 2023 में नौवे योग दिवस पर पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में 21 जून को हुए नौवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 180 से अधिक देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। पार्वती सरोवर के किनारे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आयुष विभाग योग दिवस कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुट गया है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश अब पर्यटन के रूप में उभर रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश की यात्रा की थी। इसके बाद देश दुनिया में आदि कैलाश की यात्रा के लिए पर्यटन और श्रद्धालुओं का रुझान बढ़ा, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आदि कैलाश में मनाने का निर्णय लिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का लोगों को आह्वान किया। साथ ही लोगों के बीच योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल इंटरनेशनल योगा डे से कुछ दिन पहले पीएम मोदी रोजाना एक योगासन का वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो में उनका AI वर्जन योगासन करते हुए नजर आता है। पीएम मोदी ने अपने इस वीडियो में अलग अलग योगा आसन करने का तरीका और इसके फायदों के बारे में बताया है। हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। UN में इस दिन को मान्यता मिलने के बाद से ये हर साल मनाया जाता है और इस साल 10वां संस्करण सेलिब्रेट होगा। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और वैश्विक शांति के लिए योग को बढ़ावा देना है। न्यूज डेस्क, जनता TV। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में केवल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता TV पर लगातार जारी है। नमस्कार।